उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले एक घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन पांच खबरों पर जिनमें भारत के लिए शुभ समाचार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज लोकसभा की 49 सीटों पर वोट लगातार डाले जा रहे हैं। उड़ीसा विधानसभा की बची 35 सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। तो कैसे सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी है लंबी लंबी कतारें, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। बिल्कुल, आज मुंबई में भी वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के सितारे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अक्षय कुमार, जानवी कपूर, राजकुमार राव, फरहान अख्तर जैसे सितारे वोट डाल चुके हैं। तो कैसे वोटिंग के लिए मुंबई के मतदान केंद्रों पर उम्र रहे हैं सितारे, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। जी हां गुंजन, देखिए बात जो है मानसून की भी हम करने जा रहे हैं, जिसने अंडमान निकोबार में दस्तक ऑलरेडी दे दी और ठीक 10 दिन बाद इसके केरल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश से तरबतर सड़कें नजर आ रही हैं, राहत की फुहारें। ये तमाम जो तस्वीरें वो थोड़ी देर में आपके बीच में। बात उस गर्मी की भी करेंगे जो लोगों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। 47 डिग्री पारे में जिंदगी की कड़ी परीक्षा चल रही है। तो कैसे आसमान से बरसती आग के बीच लोग कर रहे हैं गर्मी का सामना, और भीषण गर्मी के बाद भी कैसे आबाद है दिल्ली के पर्यटन स्थल, ये भी आगे आपको बताएंगे। बात जो है चारधाम यात्रा की भी हम करेंगे, जहां महज 10 दिनों में 5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आगे समझेंगे कैसे शुरुआती मुश्किलों के बाद अब पटरी पर लौट रही है व्यवस्थाएं। लेकिन रूस की तरह आज भी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 9 बजे की 9 बजे के साथ। लोकतंत्र के महापर्व में आज पांचवें चरण का मतदान किया जा रहा। सुबह से ही बड़े नेता वोटिंग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच गए। पांचवें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अपनी कलाकृति के लिए मशहूर ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी की सैंड आकृति बनाई। आकृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के पवित्र गंगोत्री धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 8 दिनों में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए। गंगोत्री धाम में भक्तों की बढ़ती संख्या के चलते स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कतारों में लगकर लोग दर्शन कर रहे हैं। करौली में प्रभु परशुराम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। देवभूमि द्वारका का शिवराजपुर समुद्र तट बना गुजरात का पहला ब्लू फ्लैग बीच, यहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन का प्रचार के दौरान दिखा अनोखा अंदाज, युवक के साथ पंजा लड़ाते हुए नजर आए। राजकोट में कैंसर को मात देने वाली महिलाओं के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। बहादुर महिलाओं ने रैंप वॉक किया। पाली में खाटू श्याम बाबा का हुआ अनोखा श्रृंगार, नोटों से सजाए गए बाबा खाटू श्याम। तरफ देखिए आसमान से बरसती आग है, तो दूसरी ओर मतदान का जोश नजर आ रहा है। आज लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं गुंजन, और इस चरण में 8,95,00,000 से ज्यादा मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही ओडिशा विधानसभा की बची हुई 35 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। पांचवें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में। बिल्कुल वैभव, भीषण गर्मी और मौसम के सख्त तेवरों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर जरूरी इंतजाम भी किए हैं। इस चरण में 100 साल या इससे ज्यादा आयु के 24,792 मतदाता वोट डाल रहे हैं। जिन बड़ी सीटों पर आज लोगों की नजर है उसमें अमेठी, रायबरेली खास है। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में है, वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी को कांग्रेस की किशोरी लाल शर्मी टक्कर दे रहे हैं। इस चरण में चिराग पासवान, उज्ज्वल निकम, पीयूष गोयल खास है। बिल्कुल, तो तमाम बड़े दिग्गज भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें राउंड में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां सुबह से ही मतदान करने सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी ऐसी दिखा रहे हैं। अभिनेता फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाले, तस्वीरें देखिए। अक्षय कुमार भी उन मतदाताओं में शुमार है जिन्होंने वोट कास्ट किया, जिन्हें
शुरुआती एक घंटे में अपना वोट डालकर लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने का उन्होंने संदेश दिया। वैसे फिटनेस मंत्रा देते रहते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री, जानवी कपूर ने भी वोट डाला और लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। राजकुमार राव भी इन सितारों में शुमार हैं जो सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे और फिंगर पर स्याही दिखाकर, मिट स्याही दिखाकर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। तमाम तस्वीरें वही मुंबई में सुबह सुबह सेलिब्रिटी अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात पुलिस वालों से हाथ मिलाया और फिर अंदर दाखिल हो गए। मतदान केंद्र आम लोगों की तरह लाइन में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अक्षय कुमार ने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए, बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर भी मुंबई में मतदान करने के लिए एक पोलिंग स्टेशन में पहुंची, पोलिंग बूथ पर पहुंची और पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही जानवी के फैंस ने उनके साथ सेल्फी भी ली। लोग उनकी एक झलक पाने को लालायित नजर आए, कोई फोटो खिंचवाते नजर आया तो कोई सेल्फी खींचता हुआ नजर आया। फैंस से मिलने के बाद जानवी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो गई और वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि प्लीज बाहर आए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से जानवी कपूर पोलिंग बूथ पहुंचती हैं, वोट कास्ट करती हैं और बाहर जाकर अपील करती हैं तमाम देशवासियों से कि आप भी बाहर आएं और वोट करें। अपनी अदाकारी के लिए फेमस अभिनेता राजकुमार राव भी सुबह सुबह वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उन्हें कैमरों ने घेर लिया। कुछ देर फोटो खिंचवाने के बाद वो मतदान के लिए पोलिंग बूथ के अंदर चले गए। तो देखिए, एक के बाद एक जो फिल्मी सितारे हैं वो भी मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। मुंबई के मतदान केंद्र की तस्वीरें राजकुमार राव को इन तस्वीरों में नजर आएंगे जहां उन्होंने भी वोट डाला। एक और तस्वीर देख लीजिए, सायना मल्होत्रा भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची। उन्होंने वोटिंग के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही को भी दिखाया। तस्वीरें देखिए, फरहान अख्तर की ये तस्वीरें हैं। इस प्रकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील तमाम सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें दिखा रहा है आपको, मुंबई से निकलकर आ रही हैं, क्या आम क्या खास, लोकतंत्र के इस महापर्व में तमाम सेलिब्रिटीज घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। फरहान अख्तर जोया अख्तर के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची, उन्होंने मतदान किया और उसके बाद उंगली पर लगी अमित स्याही को दिखाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। और सानिया मल्होत्रा की यह तस्वीर देख लीजिए, उन्होंने भी सुबह सुबह जल्दी से अपना वोट कास्ट किया और वो वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंची, उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद बाहर आकर शान से लोकतंत्र के साथ पर्व में अपनी भूमिका निभाते हुए तस्वीरें खिंचाई और फिर वो रवाना हो। मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी भी मुंबई में वोट देने के लिए पहुंचे। उन्होंने मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद वहां ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मियों से हाथ मिलाया। साथ ही मुंबई के बाकी लोगों से भी अपने घरों से बाहर निकलकर वोट देने की अपील की। देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अनिल अंबानी वोट देने के लिए पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद लोगों से भी अपील की कि अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये भी देख लीजिए जरा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी अपने परिवार के साथ मुंबई में मतदान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से जलपान से पहले मतदान करने की अपील की।
ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं, इसमें आम और खास कोई नहीं होता, सब बराबर हो जाते हैं, कोई वीआईपी नहीं होता, सभी एक लाइन में लगकर प्रॉपर एक भारतीय सिटीजन की तरह मतदान करते हैं और उसके बाद स्याही लगवा कर उंगली पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हुए तमाम सेलिब्रिटीज, उद्योगपति और आरबीआई गवर्नर खुद अपने परिवार के साथ। रुको शॉट लेता हूं, रुको। महानगरी मुंबई की तरह लखनऊ में भी लोकतंत्र का उत्सव जारी है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लखनऊ के एक पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए पहुंची। मतदान के बाद मायावती ने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाई, साथ ही लोगों से जल्द अपने घरों से मतदान केंद्र पर पहुंचने की अपील की। जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। तो देखिए, इस चरण में सभी की सीट जो है उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर सभी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में वोट देने के लिए पहुंचे और मतदान के बाद हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें में बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि इस बार रायबरेली में गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो या फिर तमाम सेलिब्रिटीज। ऐसे में रायबरेली की ये तस्वीरें हैं जो बीजेपी प्रत्याशी दिनेश वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चलिए, यहाँ पर शुभ समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको लोकतंत्र के इस महापर्व से जुड़ी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बार वोट कास्ट किया था और ये जो पोलिंग बूथ बना है, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल, तस्वीरें देख लीजिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पांचवें चरण के मतदान की एक खूबसूरत तस्वीर है। उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, स्मृति ईरानी जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंची और वो वहां पर मतदान करने के लिए पहुंची, तमाम मीडिया कर्मी भी आपको नजर आएंगे। अमेठी जो इस बार हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एक बड़े मार्जिन से हराया था, एक बार फिर से स्मृति ईरानी अमेठी से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी नहीं है, लेकिन चुनौती बराबर है क्योंकि अमेठी सीट परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। ऐसे में ये तस्वीरें सुबह से निकल कर आई जब स्मृति ईरानी खुद मतदान बूथ पर, आप पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं और मतदान करती हैं। देख लीजिए, अच्छा 49 सीटों पर मतदान जो है लगातार जारी है और जहां से जो सबसे पहले तस्वीरें निकल कर आ रही है और गुड न्यूज टुडे पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे प्रत्याशी हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, सब बढ़ चढ़ कर ज्यादा से ज्यादा मतदान कर रहे हैं और मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। लोगों की कोशिश होती है, गर्मियों का सीजन है, कि सुबह सबसे पहले मतदान हो जाए, उसके बाद फिर जलपान किया जाए जिससे सबसे महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द कर लिया जाए। स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेठी से निकल कर आ रही हैं, एक बार फिर से वो प्रत्याशी और लोकसभा की उम्मीदवार हैं। पिछली बार जैसा कि आपको बताया, चर्चित सीट अमेठी से राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, परास्त किया था, लगभग 50,000 मत। आइए चलिए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ से आई लोकतंत्र के उत्सव की खूबसूरती से जुड़ी दो तस्वीरें। ये तस्वीरें लोकतंत्र की ताकत को बयां करती हैं, जहां एक ओर पहली बार वोट करके आई अनुप्रिया तो दूसरी ओर व्हीलचेयर पर अपने वोट की चोट से लोकतंत्र को सपोर्ट करने पहुंची 90 साल के बुजुर्ग अनुप्रिया ने। जहां देश के विकास के लिए वोट दिया, वहीं इन बुजुर्ग ने लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाया। हुए हैं और
तो देखिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मतदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर मतदान भी लगातार जारी। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए पोलिंग बूथ स्पेशल बनाए गए और कश्मीरी पंडित जो है चुनाव आयोग की तरफ से किए गए इस इंतजाम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुनील भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट। आज लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। 49 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है जिनमें जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट भी शामिल है और जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो भी वोट डाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। 21 विशेष मतदान केंद्र जम्मू में बनाए गए हैं, 4 दिल्ली में, 1 उधमपुर में। ये इसलिए किया गया है ताकि विस्थापित कश्मीरी पंडित भी अपना वोट डाल सके अपने चुनावी क्षेत्र के लिए जो कि कश्मीर घाटी में है। इस समय आज सुबह सुबह जो है एक परिवार वोट डालने आया है, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम है भारत भूषण पाठक। भारत भूषण जी, आप जो बारामूला लोकसभा क्षेत्र है वहां पर मूलतः किस इलाके से हैं आप? मैं बिल्कुल प्रॉपर बारामूला से हूं। बारामूला से। तो आज आप यहां वोट डालने आए हैं, सबसे पहले मुझे बताइए कि मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? ज्यादा प्रसन्नता है, जब से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ प्रसन्नता ये, पहले हमने सोचा कि हम अपना नाम देखेंगे और ये दिन कब आ जाएगा। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए वोटिंग तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि अपने इश्यूज, अपने मसले, अपने एरिया के मसले, अपनी कम्युनिटी के मसले तभी होंगे जब आप वोट करेंगे और अपने जो आप नुमाइंदा चुनकर भेजेंगे वो आपके मसलों को उठाएगा, अपने एरिया के मसलों को उठाएगा, अपने माइग्रेंट्स के मसलों को उठाएगा। तो मुझे बता, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है, मॉनसून ने अंडमान में दस्तक दे दी है, यानी अब जल्द ही 45 डिग्री गर्मी का टॉर्चर झेल रहे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है, यानी 31 मई तक मॉनसून केरल पहुंच जाएगा। हालांकि मॉनसून 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है, ऐसे में संभव है कि मॉनसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। इसके अलावा मॉनसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून, राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 से 25 जून और बिहार झारखंड में 18 जून तक पहुंच जाएगा। और अब बात गर्मी की कर लेते हैं। उत्तर भारत गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये है कि दिल्ली का पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। IMD का अनुमान यह है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली में लू का दौर यूं ही जारी रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार से गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है। तमाम सावधानियां लोग बरत रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहने की कोशिश। जहां चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और आग उगलती जमीन इन दिनों देश के कई राज्यों को प्रभावित कर रही है, घर से बाहर निकलना दूभर है। वहीं वीकेंड पर राजधानी के पर्यटन स्थल खासतौर से कुतुब मीनार सैलानियों से भरा पड़ा है। देश दुनिया से घूमने, सैर सपाटा करने के लिए पर्यटक राजधानी आते रहते हैं। ऐसे में कुतुब मीनार को नजदीक से निहारने के लिए काफी संख्या में पर्यटक रोजाना पहुंच ही रहे हैं। टिकट खिड़की पर सैलानियों की भीड़ इसकी जीती जागती मिसाल भी है। करीब 800 साल से ज्यादा पुरानी कुतुब मीनार को देखने के लिए रोजाना पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर गर्मियों में जब आसमान से आग बरस रही है ऐसे में दूर दूर से आए पर्यटकों को गर्मी परेशान तो कर रही है, बावजूद इसके घुमक्कड़ी का शौक इस चिलचिलाती गर्मी में भी आबाद दिख रहा है। नहीं, ज्यादा परेशानी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्मी से परेशान हुआ, ज्यादा कुछ नहीं। उसमें तो काफी अच्छा था, थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ, खराब नहीं। घूम के आगे अंदर मजा आया, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। भीड़ भाड़ कम है अभी गर्मी की वजह से, नहीं तो भीड़ तो अच्छी खासी होती है, लेकिन गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी। और मैं कोलकाता से आई हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आई, काफी अच्छा लगा, बट धूप था तो अच्छे से घूम नहीं पाई, बट अच्छा लगा। यहाँ से अभी कहीं और भी जाना है, बस काफी अच्छा लगा। इतनी दूर से आए थे कुतुब मीनार देखने के लिए, फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा ही लगा। बस गर्मियों की छुट्टियों में इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने कोई देश के और राज्यों से परिवार संग पहुंचा तो कई लोकल वीकेंड सेलिब्रेट भी यहां करते दिखे। मगर विकट गर्मी में टिकट खरीदना भी किसी बड़े टास्क को पूरा करने जैसा ही है। राजधानी में जिस तरह आग के शोले बरस रहे हैं ऐसे में सैलानियों पर सैर सपाटे का ये जुनून देखने लायक है।
वैसे भीषण गर्मी का अटैक दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के राज्यों पर भी पड़ा है। सर्दियों में माइनस तापमान झेलने वाले राजस्थान के फतेहपुर में इन दिनों हीट वेव का कहर जारी है। यहां मई के महीने में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मजबूरन ही लोग पूरे एहतियात के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई जो मतलब एकदम से घर का काम रहता है उसमें बाहर निकला जाता है, तब जाके यहाँ पे जो गन्ने का रस है या फिर जगह जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं वो उन सब से काम चलाए जा रहे हैं। गर्मी से बहुत आमजन की हालत इतनी ज्यादा परेशान हो रखी है कि मतलब बहुत दुर्बल हो रहा है जीना। जोरदार गर्मी है, 45 डिग्री का तापमान है, जरूरी काम है इसलिए घर से बाहर आना पड़ा है, नहीं तो घर में बैठे रहते गर्मी में देखते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो पहली बार में ही मौसमी पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी और गर्म हवा के चलते लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल है। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर छाता लगाकर ही निकल रहे हैं तो कई सूखते हलक को तर करने के उपाय भी आजमाते दिख रहे हैं। फिलहाल गर्मी की तपेश हर किसी को परेशान कर रही है, ऐसे में एहतियात बरतना भी जरूरी है। मगर इस दौरान तस्वीरें घुमक्कड़ी के शौकीनों की हों या मजबूरी में घर से निकले लोगों की, दिल को बहला लेना ही काफी है ये कहकर कि गर्मी है भी तो क्या गम है। दिल्ली में अमरदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन बेहाल है तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच राहत की खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रविवार को निकोबार द्वीप पर दस्तक दे दी। भारत मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है, यानी आने वाले 5 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश के पूरे आसार हैं। दक्षिण भारत में इन दिनों बादल खूब बरस रहे हैं। गांव हो या शहर, हर तरफ पड़ रही बारिश की बौछारें लू के थपेड़े झेलती और तपती धरती को शांत करने के लिए काफी हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। भले ही दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को केरल में दस्तक दे रहा है मगर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उससे पहले ही 23 मई तक पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में घनघोर बारिश यानी कि भारी बारिश के आसार हैं। फिर आप देखें जहां काफी बड़ा क्लाउड पैच बना हुआ है, इसमें क्या है कि जहां एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर और ये आने वाले 4-5 दिनों में परसिस्ट करेगा, जिसके प्रभाव से क्या रहेगा कि आने वाले 4 दिन जनरली तमिलनाडु और केरला के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है डे 5 में, उसके बाद हो सकता है थोड़ी इसमें कमी आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखिए पूरा क्लाउड पैच भरा हुआ है इस समय, जो आज हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी कुछ हिस्सों में एडवांस किया है। केरला के लिए खैर अभी हमने 31 मई का डेट दिया है और अगर आप साउथ क्या बोलते हैं बेव बंगाल की बात करें जहाँ श्रीलंका के साउथ में जहाँ मानसून एडवांस कर चुका है, इसके साथ ही थोड़ा निकोबार हिस्सों में भी आज मानसून ने एडवांस किया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून की स्पीड सामान्य से तेज है। बता दें कि इस बार मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर 19 मई को अंडमान निकोबार पहुंच चुका है जो पहले 22 मई तक पहुंचता था। ऐसे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, पुदुचेरी और केरल की कई जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जहां 22 मई तक के लिए तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के कराईकल और माहे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं 19 और 20 मई के लिए केरल के 3 जिले पथानमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट की घोषणा की गई, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुजा और अर्नाकुलम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से शहरी और निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव के हालात बनते भी दिख रहे हैं, साथ ही मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड की भी आशंका बढ़ गई है। बता दें कि हाल ही में मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने के आसार जताए हैं और क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से ही पूरे भारत में धीरे धीरे अपना दायरा फैलाता है और जैसे जैसे मानसून दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उन गर्म तपते क्षेत्रों में
बारिश की फुहारें राहत देना शुरू कर देती हैं। फिलहाल तो पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश मानसून के आगमन को लेकर एक खुशखबरी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून की खुशखबरी के बाद अब एक और गुड न्यूज निकल कर आ रही है। चारधाम यात्रा के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था और उसके बाद से यात्रा काफी स्पीड में लगातार जारी है। 10 दिन में आपको बता दें 5 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम की यात्रा कर चुके हैं और गंगोत्री से लेकर बाबा केदार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की ऐसी ही आस्था बद्री विशाल के दर पर भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें देख लीजिए, चारों धाम से ये नजारा देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और श्रद्धालुओं में होड़ लगी हुई है दर्शन पाने की। यात्रा में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार और प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। खुद राज्य के डीजीपी ग्राउंड लेवल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां पर उतरे हुए हैं। यात्रा रूट पर तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए जगह जगह पर इंतजाम किए गए ताकि चार धाम में भीड़ भाड़ ना हो जाए और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए और सबको आसानी से बारी बारी क्रमशः दर्शन सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है। यात्रा शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धाम का दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में भक्त चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं। चारधाम यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि चारधाम यात्रा के बीच सबसे बड़ी चुनौती हाईवे पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव है। इसलिए बीच पड़ावों पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित शेल्टर दी जा रही है और कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए आगे भेजा जा रहा है। भले ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे यात्रा को ठीक है, जहाँ पे थोड़ा तो ट्रैफिक जाम होता है या कहीं कुछ और दिक्कत आती है तो उसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई जगह मतलब यात्रा इज प्रोग्रेसिंग। चारधाम यात्रा के तमाम रूट पर पड़ रहे पड़ाव पर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। तस्वीर देहरादून के विकास नगर में हरबटपुर की है। यहां दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बस अड्डे और कई सरकारी भवनों में तीर्थयात्रियों को ठहराया जा रहा है। उत्तरकाशी में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को यहां पे नियंत्रित करते हुए उनको छोड़ा जाता है, तो इसके लिए हमारे यहां नया गाँव पेलियो सुद्धो वाला और हरबटपुर बस अड्डे और तटा पत्थर में कुछ कुछ समय के लिए लोगों को विश्राम कराया जा रहा है। तो उसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे यात्रियों की ठहरियों की पीने की पानी की और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे भंडारा भी कई लोग चलाते हैं जिससे कि लोगों को असुविधा। वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से रौनक लौटती दिख रही है। पिछले दिनों बद्री विशाल के तट पर तीर्थयात्री काफी कम संख्या में पहुंचे, मगर बीते शनिवार से एक बार फिर से इस धाम में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी तीसरा बार आएगा, मैंने कहा आज अच्छा तरह दर्शन मिलेगा। 10-15 मिनट ज्यादा भीड़ है इधर, फिर भी मैंने कहा अच्छा तरह दर्शन मिलेगा। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ से पुरोहित समाज खुश दिख रहा है। हालांकि उन्होंने प्रशासन से इस यात्रा सीजन के दौरान सड़कों पर पड़े मलबे को जल्द हटाने और यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की गुजारिश की। वहीं यात्रियों के यमुनोत्री धाम में सुगम दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पिछले दिनों श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की वजह से मिनरल वाटर बॉटल्स के ढेर लग गए। इस प्रदूषण को हटाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर जाम के हालात हरिद्वार में भी दिखे। जाहिर है गर्मी विकट है, ऐसे में जाम से परेशान लोगों को निजात दिलाने और उसे मैनेज करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी यहां भी दिन रात लगी हुई है। फिलहाल तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की ये महातीर्थ यात्रा सुगम और सुविधाजनक रहे इसके लिए प्रशासनिक अमला हर जगह पर अलर्ट मोड में है। ऐसे में कहीं भी बद इंतजामी न हो, श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा पड़ावों पर उनके ठहरने के साथ ही खाने पीने, मेडिकल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं का चारधाम दर्शन बेहद आसानी और सुलभता के साथ सम्पन्न हो सके।
श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, गंगोत्री यमुनोत्री से ओंकार बहुगुणा और विकास नगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की कर ली जाए। जैसा कि आपको पता है, पांचवें चरण में मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का पहुंचना लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक की अगर हम बात करें मतदान प्रतिशत की, तो आंकड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 15.35% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 12.89% यानी लगभग 13%, और झारखंड की अगर हम बात करें तो 11.68% मतदान हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, लद्दाख की बात करें, तो यहां पर देखिए 9 बजे तक 10.51% मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, थोड़ा 2-3 घंटे मतदान प्रतिशत घटेगा, और उसके बाद शाम में फिर से एक बार उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक का आंकड़ा ये रहा, पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे तेजी से मतदान हुआ। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।